अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू करेले की सूखी सब्जी की रेसिपी। तो चलिए चटपटी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का नरम होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे, यहाँ मैंने लिए है 200 ग्राम करेले। इसके सारे बीज निकाल लिए, इसे इस तरीके से कट कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, इस तरीके से मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ करेले को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून होममेड भरवा मसाला, आप मार्केट का भी ले सकते हो। पूरा मसाला अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ करेले को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, करेला अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ करेले की सब्जी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप भी इस करेले आलू की सब्जी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे कमेंट करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस करेले की सब्जी को रोटी, पराठा, फुलके के साथ सर्व करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।